नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमरुज कुमार और अभी हम है सोनबरसा प्रखंड के शाहपुर पंचायत में और यहां के मुखिया जी सोनी देवी जी के हस्बैंड हमारे साथ है, रमन जी हमारे साथ है। तो चलिए अभी से बात करते हैं आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर और अन्य खास बातचीत भी करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। सर विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, आप लोगों की चुनाव की बारी है, ऐसे में फिर आप जनता के बीच जाइएगा तो क्या मुद्दा लेकर के जाइएगा? हम लोग विकास का मुद्दा लेकर के जाएंगे सरकार के पास। सर क्या विकास क्या है? हम लोग का विकास ये सड़क वगैरह तो सब कुछ बन ही गया है, साथ में से कहीं नली का काम भी हो चुका है, ये सड़क गया है, ये जल नल वाला योजना था, इसमें जन हम लोग का। अच्छा सर, जल नल योजना से याद आया, बहुत सारी पंचायत के मुखिया जी का ये आरोप है कि जिस तरह से जल नल योजना का काम पूरे पंचायत में होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, आपकी पंचायत में क्या? बस हम हमारे पंचायत में समझिए बहुत दयनीय स्थिति है, 10 वार्ड जो है हमारे पंचायत में वैसे पड़े हैं, 5 वार्ड में काम भी हुए तो ऐसा काम हुए हैं कि मान के चलिए कहीं से पाइप भी लीक कर जाता है, पानी सही से उपभोक्ता के पास नहीं पहुंच पाता है। जी अच्छा मुखिया जी, कोरोना काल भले भी था और अभी हुआ तो ऐसे में आपका क्या योगदान रहा अपने पंचायत वासियों में? हम लोग के यहाँ जो है प्रवासी मजदूर करीब 500 जो प्रवासी मजदूर है हमारे यहाँ आए हुए थे, तो हम लोग को वीडियो साहब की तरफ से हम लोग को कहा गया था कि आप लोग जो अपने अपने स्कूल में जो है प्रोग्राम का टाइम सेंटर खोलिए, तो हम लोग अपना अपना हर एक स्कूल में सेंटर खोले हुए थे, तो हम लोग प्रवासी मजदूर को पहले तो हम लोग 14 दिन रखे हुए थे, हम लोग खाना पीना नाश्ता साबुन हर चीज़ का व्यवस्था वहाँ पर स्कूल पर था। इसके बाद जो है फिर हम लोग को निर्देश आया कि आप लोग जो है ना 20 दिन रखिए, तो हम लोग 20 दिन भी रखे, सरकार हम लोग को पैसा भी दिए और हम लोग वहाँ रखे। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में विकास की क्या है? विकास हमारे पंचायत में जो है हम लोग चौधरी पंचम सात इससे सबसे विकास किए हैं, सिर्फ यही जनरल वाला जो है ये जो नफरा दिक्कत है अभी और हमारे पंचायत में चल रहे हैं। मनरेगा से भी हम लोग डी एल का मीटिंग हर एक वार्ड में करवाए हैं, मनरेगा से भी हम लोग जो है पशु से पशुपालन के पोखर उखर भी खुलवाए हैं। मुखिया जी शौचालय का काम कहाँ तक हुआ? हमारे पंचायत में शौचालय का लगभग हर वार्ड में और हर एक व्यक्ति जो अपना शौचालय बनवा लिए थे हर एक को सरकार पैसा दे चुके। अच्छा मुखिया जी के अंतिम सवाल है, आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे यहाँ के तमाम जनता को, कैसे व्यक्ति को वोट दे, कैसे प्रतिनिधित्व? हम अपने जनता जनार्दन से यही कहना चाहेंगे कि जो ईमानदार हो, जो आपके सुख दुख में हमेशा आपको साथ दे, ऐसे व्यक्ति को ही चुने। हम जो हैं जो भी कहीं किसी जनता को जरूरत पड़ता है तो हम लोग तुरंत वहाँ हाजिर हो जाते हैं, सब जनता जनार्दन है वो मालिक है, देखिए जनता का मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने मनचुनती समय की, आप लोग हम बात कर रहे थे शाहपुर के मुखिया जी से और इनका कहना है कि हमने इस क्षेत्र के लिए विकास किया है और जनता एक बार फिर से विकास के नाम पे वोट देगी। और नल जल योजना को लेकर इनका कहना है कि सही में जिस तरह से पंचायत में काम होना चाहिए नल जल योजना का उस तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति में है। कैमरा पर्सन नयन कुमार के साथ मैं हूँ अमरुज कुमार।